अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट होंगी, इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। हैरिस पहली भारतीय अमेरिकी मूल की महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। 5 नवंबर को होने वाले आम चुनाव में हैरिस का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उन्हें अपनी संभावित डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बहस में भाग लेना है या फिर नहीं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जेमे हैरिसन ने देश भर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों की ऑनलाइन गिनती समाप्त होने के बाद नतीजों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि उपराष्ट्रपति हैरिस ने सभी सम्मेलन प्रतिनिधियों से बहुमत से अधिक वोट हासिल कर लिए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद वो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधियों के बहुमत से उम्मीदवार मिलने की घोषणा के बाद हैरिस ने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गौरवान्वित हूँ। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक रूप से नामांकन स्वीकार करूँगी। यह बयान लोगों को देश प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ने के बारे में है। हैरिस की माँ भारतीय मूल की थी जबकि पिता अमेरिकी मूल के जमैका के निवासी थे। हैरिस पार्टी में अगले सप्ताह ऑनलाइन मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद आधिकारिक रूप से नामांकन स्वीकार कर लेंगी। वो 22 अगस्त को शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार स्वीकार करेंगी। अगले कुछ दिनों में वो उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी की घोषणा कर सकती हैं। वहीं उधर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूँ और हम सभी भी चुनावों में काफ़ी आगे चल रहे हैं। हैरिस जो बाइडेन से बेहतर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार वो उनसे भी ज़्यादा ख़राब होंगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं बहस नहीं करता तो वो कहते हैं कि ओ ट्रंप, तुम बहस क्यों नहीं करते। यही बात वो अब भी कहेंगे। मेरा मतलब है कि अभी मैं कहता हूँ मुझे बहस क्यों करनी चाहिए, मैं चुनावों में आगे चल रहा हूँ और हर कोई उन्हें जानता है और हर कोई मुझे भी जानता है। यही कहकर ट्रंप ने अपनी बात ख़त्म कर दी। अब आगे जानने वाली बात ये होगी कि कौन बनने वाला है अमेरिका का नया राष्ट्रपति, क्या बनेगी भारत और अमेरिकी मूल की नई राष्ट्रपति और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।